जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ब्यूटीफुल चैनल एवेल्यू स्टडी में। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन कैसे हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, समझना कि जो अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या था भाई, समझना कि पर यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क किया जाता है, पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये मेरा क्यू नोड चार्ज है, इसको मैं लाने में पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क किया जाता है डब्ल्यू, उसी को अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना था, ठीक है। ये V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नोट, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, चलिए ठीक है। और अपने को एक बात ये भी पता है कि अगर मेरे को ये निकालना है, देखिए वर्क क्या होता है, एक बार सबसे पहले वर्क देखिए, वर्क क्या होता है W, मान लीजिए ये मेरे पास एक एक चार्ज है यहाँ बैठा हुआ, मेरे को ये इन्फिनिटी से मेरे को इस A पॉइंट से इस बी पॉइंट तक लाना है, यहाँ मान लो कोई चार्ज बैठा हुआ है, कुल मिला के मेरे को यहाँ से इस चार्ज को यहाँ पे लाना है, और मान लीजिए डिस्टेंस है मेरे पास स्मॉल आर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास एक्स है, ये इतना मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को यहाँ तक लाने में सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्टेप लूँगा dx, ठीक है, ये पहले मैं स्मॉल डिस्टेंस लेके आऊँगा, उसके बाद मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, जहाँ मेरे को जो अपने ये इंटीग्रेट में लिमिट क्या रखेंगे, ये इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर रख देंगे। चलिए तो सबसे पहले वर्क क्या होता है, बल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट dx, चलिए ये छोटा सा वर्क किया इसलिए मैंने यहाँ dx लिखा, ठीक है, यहाँ भी dw लिख लेता हूँ छोटे वर्क के लिए, ठीक है। चलिए अब मेरे को क्या करना है, इसको पूरा ही यहाँ लाना है, तो अभी मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ क्योंकि मेरे को x डिस्टेंस के लिए काम करना है। चलिए तो ये इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये dw यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे कर देंगे तो एफ डॉट dx, चलिए ठीक। अब एक बार देखिए कि मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इस x डिस्टेंस के लिए काम करना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए आप, अगर आपको x डिस्टेंस लाना है तो यहाँ मेरा चेंज होगा वो एफ डॉट, यहाँ तो dx ही रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मेरे को अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये डी और इंटीग्रेशन करता है क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन है और इंटीग्रेशन, तो ये तो मेरे का डब्ल्यू वर्क दे गया, ये हो गया मेरा एफ डॉट dx। चलिए भाई अब क्या करना है मेरे को, जो अपना चार्ज है वो इन्फिनिटी से इस r डिस्टेंस पर लाना है, तो लिमिट क्या रखूँगा, इन्फिनिटी टू r, चलिए भाई ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि इस w की जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, सही बात है कि नहीं है, इस W की जगह में ये चीज़ लिख सकता हूँ, तो एक बार मैं लिख के देख लेता हूँ यहाँ पर। चलिए ये इक्वेशन सेकंड है मेरी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से इक्वेशन को अपन देखते हैं, तो देखिए कि इस W की जगह में W को मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये V इक्वल टू मेरा इन्फिनिटी टू आर एफ डॉट dx डिवाइड बाई क्यू नोट, ठीक है। चलिए अब मैं जानता हूँ क्योंकि एप इक्वल टू मेरा क्यू ही होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्यू ही होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब मेरे को ई निकालना है क्योंकि रिलेशन किस में लाना है, वी और ई के बीच में, तो एफ बाई क्यू लिख दूँ, यहाँ मेरा क्यू नोट चार्ज है तो ये भी मेरा क्यू नोट ही बनने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन इस चीज़ को यहाँ पुट कर रहे हैं इस रिलेशन को, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे अपन, हाँ एफ बाई क्यू नोट की जगह में ई लिख सकता हूँ, चलिए तो वी इक्वल टू ये आर टू इन्फिनिटी टू आर पे ले गया था मैं, तो ये इन्फिनिटी टू आर पे ले जाऊँगा और ये मेरा एफ बाई क्यू नोट ई बन गया, ई डॉट डी एक्स, ये रहा अपना क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो रहा अपना पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों में अपना रिलेशन सेट हो गया है, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो कि
ये जो रिलेशन है उसको आप इन्फिनिटी से नहीं लाके आप ए टू बी पॉइंट पे भी लिख सकते हो। तो मैं यहां एक काम करना चाह रहा हूं, फोर ए टू बी, अगर मैं किसी चार्ज को ए से बी पर ला रहा हूं, यहां से इन दोनों के बीच का मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस वाला काम करना होता तो मैं ए टू बी लिख लेता यहां, वी इक्वल टू ये हो गया अपना ए टू बी ई डॉट डी एक्स। ठीक है, चलिए भाई आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, और अच्छा लगा तो कमेंट करना, और बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।